नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। चुनाव का शोर धीरे धीरे थमने लगा है, वोटर का मूड धीरे धीरे बनने लगा है। 2023 के चुनाव का आज सबसे भीषण दिन था, जब नरेंद्र मोदी ने सबसे तीखे सवाल किए। मोदी ऐसे ऐसे शब्दबाण लेकर आए जिसका विरोधियों के पास कोई जवाब नहीं था। सोचिए, बगैर नाम लिए मोदी ने विरोधी को हक्का बक्का कर दिया, चुप करा दिया। ये काम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही आता है। आज मोदी ने किसे मूर्खों का सरदार कहा? मोदी ने क्यों कहा लोहे के चने चबवा दूंगा? आज प्रधानमंत्री ने किसके बारे में कहा कि तंबू उखाड़ दूंगा? विरोधी को पता ही नहीं मोदी किस मिट्टी का बना है। प्रधानमंत्री ने यह क्यों कहा? मोदी ने किसी का नाम लिए बगैर ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिसकी ओर इशारा किया, मोदी की उस स्पीच को हमने डिकोड कर दिया है। मोदी का भाषण सुनने के बाद अब आपको पता चलेगा कि आखिर इस पूरे मामले में जो आपके मन में जितने सारे सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब आपको मोदी का भाषण सुनने के बाद मिलेगा। मध्य प्रदेश की जीत का फॉर्मूला डिकोड कर लिया है। ये चुनाव है कांग्रेस के लूट और भ्रष्टाचार के पंजे को फिर कभी भी मध्य प्रदेश की तिजोरी पर हाथ न लगा देने का। कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है, और आपका तो अनुभव है, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। मोदी क्यों कह रहे हैं मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है? पूरे एमपी से मोदी को जीत की कौन सी इनसाइड रिपोर्ट मिली है? मोदी किस आधार पर कह रहे हैं 17 नवंबर को ही 3 दिसंबर का रिजल्ट आउट होगा, एक बार फिर कमल ही खिलेगा? सुबह 11 बजे चुनाव की सभा करना लोहे के चने चबाने जैसा काम होता है, लेकिन आपने जो कमाल किया है, मैं देख रहा हूं वहां ऊपर तक कुछ पीछे लोग दिख रहे हैं, पता नहीं उनको सुनाई देता होगा नहीं देता होगा। 17 नवंबर को इतिहास रचने के लिए घर से निकलेंगे। पूरे एमपी से रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। राहुल कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तूफान आएगा, बीजेपी इस तूफान में उड़ जाएगी, कांग्रेस ही आएगी। राहुल ने तो बाकायदा विनिंग कैलकुलेशन भी कर लिया है, कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी कैमरे पर यह तक कह दिया है। मगर मोदी ने राहुल के तूफान का काउंटर अटैक बीजेपी की आंधी से कर दिया है। एमपी में कांग्रेस का तंबू कैसे उखड़ेगा यह अभी से डिक्लेयर कर दिया है। मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। आप लिख के रख लो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है। दिल्ली में बैठकर चुनावों का हिसाब किताब लगाने वाले पॉलिटिकल मेहरबान इसका आकलन नहीं कर पाए। ये बीजेपी की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। कांग्रेस का दावा है मोदी हारेंगे, 23 के चुनाव में कांग्रेस वाले ही जीत का झंडा लहराएंगे, जीत के मोमेंटम को 24 तक लेकर जाएंगे। क्या मध्य प्रदेश में बिल्कुल ऐसा ही होगा? क्या यह पैटर्न 24 तक दिखेगा या यह सिर्फ राहुल का टोना टोटका है? मोदी की माने तो कांग्रेस ने लड़ाई से पहले ही सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस के नेता घर जाकर बैठ गए हैं, किसी तरह चुनाव जीत जाएं,
क्या इसके लिए कांग्रेस ने अब जादू टोना शुरू कर दिया है? मोदी ने खुल्लम खुल्ला जो कुछ भी कहा है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है? जैसे जैसे 17 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस नेताओं के दावों की पोल खुलती जा रही है। अब साधु महात्माओं के पास दोरे धागे के लिए जा रहे हैं, कुछ नसीब खुल जाए। कांग्रेस के कई लोग तो ठान करके घर बैठ गए हैं, उनका बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा है। हर कांग्रेस को लगता है किस मुंह से इन लोगों की बात करें। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। पिछले 7 दिन का गूगल ट्रेंड्स का डेटा बता रहा है कि इंटरनेट पर मध्य प्रदेश में 86% सर्च इंटरेस्ट मोदी को लेकर हो रहा है, राहुल को लेकर सर्च इंटरेस्ट सिर्फ 14% रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या मध्य प्रदेश के वोटर्स मोदी को सुनने, मोदी को देखने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और क्या राहुल को उतना भाव नहीं दे रहे, और क्या मोदी ने इसीलिए कहा कि मोदी किस मिट्टी का बना है ये कांग्रेस को पता ही नहीं? मोदी अब चैन से बैठने वाला नहीं है। इन लोगों को पता नहीं है ये मोदी किस मिट्टी का बना है। गरीबी से निकला हुआ मोदी चैन से बैठ नहीं सकता है। धमकीबाज, गालीबाज, मानसिक बीमार, मूर्खों के सरदार, न संगठन में दम, न ही नियत अच्छी, तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, दंगे फसाद, भ्रष्टाचार, मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस की व्याख्या इन्हीं शब्दों से की। मोदी का यह अग्रेसिव टेम्पलेट 2 लेवल पर एक्टिव था, एक चुनावी रैली में पब्लिक के बीच, दूसरा सोशल मीडिया की मैसिव आउटरीच। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए होने वाली वोटिंग से ठीक पहले इसी सोशल मीडिया कैंपेन से जुड़ा एक डेटा आया है जिसमें पता चला है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस से जुड़े हैंडल्स ने 36% नेगेटिव पोस्ट किए, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 18% नेगेटिव पोस्ट किए। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 20% नकारात्मक पोस्ट बीजेपी और बीजेपी की सरकार पर किए, 3% नेगेटिव पोस्ट नरेंद्र मोदी पर किए। इसकी तुलना में बीजेपी ने सबसे ज्यादा यानी 47% नेगेटिव पोस्ट कांग्रेस पर किए। बीजेपी के 21% नेगेटिव पोस्ट कांग्रेस के करप्शन कांड से जुड़े थे और 6% नेगेटिव पोस्ट राहुल गांधी पर थे। इस डेटा की टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव प्रचार में मोदी ने सबसे ज्यादा फोकस करप्शन पर ही किया है, कांग्रेस को ही आड़े हाथों लिया है, और इस बार तो कांग्रेस के लक को कांग्रेस की तरफ से मोदी को दी जा रही गालियों को भी करप्शन से जोड़ दिया है। दो कांग्रेस वाले चर्चा कर रहे थे, वो कहते हैं यार इस चुनाव में लक काम करेगा कि नहीं करेगा, लक की चर्चा करते हैं। तो दूसरे कांग्रेस ने कहा अरे लक को मारी गोली, ये मोदी कहीं लॉकर खोल देगा ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आज ये सब जो चोराट कंपनियां हैं ना, उनको डर है कि मोदी कहीं लॉकर न खोल दे और हमारे लक को ही ताला न लगा दे। इसलिए कांग्रेस के इन भ्रष्ट नेताओं की धमकियों की परवाह मत कीजिए। 2014 में आपने मुझे देश की सेवा के लिए दिल्ली भेजा था, उसके बाद साल दर साल हर रोज कांग्रेस की नफरत दिनों दिन पारा चढ़ता ही जाता है। आपने देखा होगा पहले जो 2 गाली देते थे वो 20 गाली दे रहे हैं,
जो पहले 5 गाली देते थे वो आज मोदी को 50 गाली दे रहे हैं। ये गालियां मैं खाता हूं आपके लिए, ये नफरत मैं झेलता हूं आपके लिए, क्योंकि आप सर उठा करके जिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, इसलिए गालियां मोदी खा रहा है, ये नफरत मोदी झेल रहा है। और ये मोदी को गालियां क्यों देते हैं, ये मोदी को नफरत क्यों करते हैं, ये मोदी को बदनाम क्यों करते हैं? क्योंकि मोदी ने इन लोगों के भ्रष्टाचार पर, बड़े बड़े घोटालों पर रोक लगा दी। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कोई जेब भर सकता नहीं, कोई आपका जेब काट सकता नहीं। तो फिर मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे, गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? 2018 के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के बीच टफ फाइट थी। उस वक्त बीजेपी को 40.9% वोट मिले, कांग्रेस को 40.8% वोट मिले। बीजेपी ने 109 सीटें जीती, कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी। कांग्रेस के नंबर्स थोड़े ज्यादा जरूर थे, लेकिन तब 54% लोगों ने एक पोस्ट पोल एनालिसिस में बताया था कि वो एमपी में बीजेपी सरकार के काम से संतुष्ट है, और करीब 51% लोग केंद्र में मोदी के काम से खुश थे। यानी मोदी हो या शिवराज, गवर्नेंस के पैमाने पर दोनों को पिछली बार भी फुल मार्क्स मिले थे। इस डेटा का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मोदी ने ओपनली कांग्रेस के धमकीबाज नेताओं का सच पब्लिक को बताया। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के संभावित सीएम कैंडिडेट कमलनाथ ने एक चुनावी सभा में वहां मौजूद सरकारी अधिकारियों को धमकी भरे लहजे में कहा था कि मुझे आने दो, मैं देख लूंगा। मोदी ने अब उसी का जिक्र करके एमपी वालों को चेताया है और यह क्लियर मैसेज दिया है कि किसको वोट करना है, किससे बच के रहना है। ये प्रशासन पृथ्वी पूरा निवाड़ी को मैं कहना चाहता हूं, ये जो आप कर रहे हैं, मुझे मैंने अभी कई बातें सुनी, कैसे प्रशासन, पुलिस प्रशासन हुए या बाकी प्रशासन हुए, कैसे परेशान कर रहे हैं, ये सुनने कान खोल के कल के बाद परसों भी आएगा। और क्या हिसाब लेना है आपसे, क्या उनका करना है, आप और मैं तय करेंगे, और ऐसा कोई छूटेगा नहीं। ये सुन लें, 6 दिन और हैं, जो करना है कर लें, पर आगे 5 साल भी काटना पड़ेगा आपको। मध्य प्रदेश पे कांग्रेस की हार निश्चित देख, उसके नेताओं पर एक और साइड इफेक्ट हुआ है। हार तय देख कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया है। मैं एमपी के सरकारी कर्मचारी अधिकारी से कहूंगा कि कांग्रेस की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। आप ईमानदारी से अपना काम करते रहें। एमपी में आज भी भाजपा है, 3 दिसंबर के नतीजों के बाद भी भाजपा सरकार ही है। कांग्रेस के धमकीबाज नेताओं की तो खुद, उनका तो हाल ये है, धमकियां तो देते फिरते हैं लेकिन उनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है। मोदी ने मध्य प्रदेश में वोटिंग से ठीक पहले धुआंधार चुनावी रैलियां करके, इंदौर में आधे घंटे से ज्यादा का रोड शो करके चुनाव का पूरा मिजाज बदल कर रख दिया है, बीजेपी के फेवर में पॉजिटिव टोन सेट कर दिया है। रही बात राहुल गांधी की, तो वो मोदी पर हमलावर तो हैं, लेकिन एक्साइटमेंट में गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हैं, और ऐसी गलतियों को पकड़ने में मोदी को महारत हासिल है।
कुछ घंटे पहले ही राहुल ने एक ऐसी ही गलती की। मोदी को घेरने के लिए वही मोबाइल फोन के पीछे मेड इन चाइना वाले स्क्रिप्ट पढ़ी, जो राहुल आज से नहीं 2019 से ही पढ़ते आ रहे हैं। साल दर साल यही रिपीट किए जा रहे हैं। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना, आपने आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद, और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश, और वो कहे यार ये मध्य प्रदेश कहां है, मैं जाके देखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री यहां आते शर्म नहीं करते हैं, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि मध्य प्रदेश में एक कारखाना नहीं खुला। ये शब्द उन राहुल गांधी के हैं जिन्होंने समय समय पर मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया, ये तक कहा कि भारत में मेक इन इंडिया कामयाब हो ही नहीं सकता, वो फेल हो चुका है। राहुल ये स्क्रिप्ट पढ़ते ही इसलिए हैं ताकि मोदी को सियासी तौर पर डैमेज किया जा सके, पब्लिक को भ्रमित किया जा सके। मगर वो ये भूल जाते हैं कि आज पूरा देश लोकल के लिए वोकल हो रहा है, और लोकल के लिए वोकल अप्रोच को बढ़ावा देने वाले नरेंद्र मोदी ही हैं। और मोदी तक जैसे ही राहुल का वो टेप पहुंचा, उन्होंने हाथों हाथ उसे पिक कर लिया। न सिर्फ उसे हिंदुस्तान के सेंटिमेंट से जोड़ दिया, बल्कि एमपी के वोटर्स के दिमाग में भी फिट कर दिया। लोकल को वोकल बनाने से कौन रोक रहा है? कांग्रेस अब सातवें आसमान पर उड़ रही है, हवा में उड़ रही है, उसे जमीन पर गरीब दिखाई देते ही नहीं है, और न ही वो जमीनी सच्चाई जानते हैं। मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है, पता नहीं। मोदी जब फैक्ट्स बताते हैं, कांग्रेस पर टीका टिप्पणी करते हैं, तो तुरंत दिल्ली वाला इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है। झूठ, जहर, उन्मादी, ओछी राजनीति, थका हुआ, डरा हुआ, मोदी के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। लेकिन मोदी को गाली देने वाले विरोधी बाइक के पेट्रोल में, लाइट के बटन में, टीवी चालू करने वाली स्पीच में अजीबो गरीब लॉजिक देकर हंसी का पात्र बन रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के साथ हुआ। अब हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा फोकस गरीबों पर लगा देते हैं, पैसा हम आपके जेब में डालते हैं। वो क्या करते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, अदानी जी को, अंबानी जी को, आपका धन पूरा का पूरा वो पकड़ा देते हैं। ये पैसा अदानी का नहीं है, ये पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। जीएसटी का पैसा कौन देता है? आप क्या सोचते हो अदानी देता है? आपने ये शर्ट खरीदी, जीएसटी का पैसा दिया। यहां आए, स्कूटर में आए, पेट्रोल डाला, जीएसटी का पैसा दिया। बिजली का स्विच चलाया, अदानी को पैसा गया। मोदी अपने विरोधियों के ऐसे ब्लंडर को अपना पॉलिटिकल वेपन बना लेते हैं और सीधे उन्हीं के ऊपर तान देते हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी प्रचार में आखिरी शाम प्रधानमंत्री ने बिल्कुल यही किया। पब्लिक के बीच से होते हुए रोड शो तो निकाला, साथ ही कांग्रेस की विदाई का संकेत भी दे दिया। मध्य प्रदेश में 90% से ज्यादा हिंदू आबादी है। हिंदी बेल्ट होने की वजह से यहाँ राम मंदिर भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अमित शाह पहले ही कह चुके हैं मध्य प्रदेश में 3 दिवाली मनानी है,
एक दिवाली तो हो चुकी, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर वाली है और तीसरी दिवाली 22 जनवरी के बाद मनाने की तैयारी है। इसीलिए वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने भी खुलकर कह दिया है, राम मंदिर का जिक्र कर एमपी के वोटर्स को समझा दिया है कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कांग्रेस से बचकर रहना है। अब देखिए ये कांग्रेस वाले छत पर चढ़ चढ़ करके चिल्ला रहे थे कि कभी भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटेगा। कांग्रेस वाले ये भी कहते थे कि 3 तलाक के खिलाफ कानून तो बन ही नहीं सकता। कांग्रेस वाले हमसे राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछा करते थे। अरे करतारपुर कॉरिडोर के लिए भी सवाल उठाते थे। इन लोगों को पता नहीं है ये मोदी किस मिट्टी का बना है। ये नर्मदा का पानी पी करके बड़ा हुआ है और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। गाजा पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कब्जा बताया जा रहा है, लेकिन आतंकी संगठन हमास का पता नहीं चल रहा। हमास गाजा से गया तो गया कहां? हमास के लीडर्स मिल क्यों नहीं रहे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजरायल के 240 हॉस्टेजेस आखिर कहां चले गए? ऐसा तो नहीं है कि हमास ने वेश भी बदल दिया और भेष भी बदल लिया? इजरायल का यही डर था कि गाजा पट्टी में वो हमास का खात्मा तो कर लेगा, लेकिन यह पता कैसे चलेगा कि हमास खत्म हो गया? क्योंकि हमास का कोई चेहरा तो है नहीं। 10-12 कमांडर्स और बड़े नेता हैं, ज्यादातर विदेशों में रहते हैं और अभी तक जिंदा बताए जा रहे हैं। अब इसराइल की सेना को ना तो हमास के ये नेता मिल रहे हैं और ना ही अपने बंधक मिल रहे हैं, यानी इसराइल गाजा को निस्तनबूत करने के बाद भी जीत नहीं पाया है और इसीलिए इसराइल और उसके सैनिक ज्यादा पैनिक में आ गए हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। गाजा पट्टी में हमास और इजराइल की सेना के बीच भयंकर जंग चल रही है। इजराइल की सेना लगातार हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बना रही है और कल से यह फोटो भी पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की सेना ने उस जगह पर कब्जा किया है जो गाजा पट्टी के अंदर हमास की संसद बताई जा रही है। इजराइल के सैनिक इस संसद के अंदर बैठे हुए हैं। तो क्या पूरी गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा हो गया? क्या गाजा से हमास का खात्मा हो गया? क्या गाजा पट्टी छोड़कर हमास भाग खड़ा हुआ? और अगर ऐसा है तो फिर वो 239 बंधक कहां हैं जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने किडनैप किया था? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी से हमास का खात्मा कर दिया है तो फिर वो अभी भी इजराइल पर रॉकेट कैसे दाग रहा है? ये वीडियो गाजा का है जहां से इजराइल के एश्कलोन शहर के ऊपर रॉकेट दागे जा रहे हैं। हमास के आतंकवादियों की तलाश में इजराइल ने पूरे नॉर्थ गाजा को धुआं धुआं कर दिया है। एक एक घर, एक एक अस्पताल, सुरंग सब कुछ खोद दिया है। हमास के आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन उन बंधकों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा जिन्हें हमास के आतंकी अपने साथ अगवा करके गाजा पट्टी लेकर गए थे। इन इजरायली बंधकों के घर वाले हर रोज ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने लोगों को वापस लाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। इन लोगों ने यह प्रदर्शन जेरूसलम में यूएन के मेन ऑफिस के सामने किया है। अपने बंधकों की तलाश में इजराइल ने पूरी गाजा पट्टी छान मारी है। इजराइल शुरू से ही यह कह रहा है
कि हमास के आतंकवादी गाजा पट्टी के अस्पतालों का इस्तेमाल अपने आतंकी ठिकानों के तौर पर कर रहे हैं और गाजा पट्टी की रेड में इसराइल को इस बात के पुख्ता सबूत मिले। ये गाजा पट्टी का रेंतिसी अस्पताल है जहां इसराइल की सीटेट 13 है और ब्रिगेड 401 ने एक रेड की है। यहां अस्पताल के नीचे हमास का पूरा हेडक्वार्टर का पता चला है, हमास के हथियार मिले हैं, सुसाइड वेस्ट मिली है और साथ ही इसराइल के सैनिकों को इस बात के भी सबूत मिले हैं कि यहां हमास ने बंधकों को भी रखा हुआ था। We are now in the area of the basement of the hospital. I want to show you a room where we found all the gear, the operational gear of Hamas. Hamas is using hospitals, like we showed the evidence in Shifa Hospital, in other hospital. We are now seeing it in live in Rantisi Hospital, an operation still conducting right now. Look at what Hamas is holding inside the hospital. I want you to understand, this kind of gear is a gear for a major fight. These are explosives. These are vests with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces. Among hospitals, among patients, we have hand grenades, Kalashnikovs, and then we have the RPGs. People shooting RPGs from hospitals. This is Hamas firing RPGs from hospitals. The world has to understand who is Israel fighting against. दुनिया कैसे सोच सकती है कि अस्पताल के नीचे हमास ने अपना अड्डा बनाया हुआ था, यहाँ इतने खतरनाक हथियार रखे हुए थे, हमास के आतंकवादियों ने यहाँ बंधकों को भी कैद करके रखा हुआ था, बाकायदा दूध पीते छोटे छोटे बच्चों को यहाँ बंधक बनाकर रखा गया था। Yards from here, we find the chair, a woman, clothes, and a rope next to the legs. And look above this, look above it. It's a baby bottle. It's a baby bottle in a basement. Above a World Health Organization sign. This is a suspicion for an area where hostages were being held. We're now looking at an infrastructure. You don't need to build something improvisedly in a hospital in the basement. Unless you want to hold someone in the basement, you don't want anyone to see him. Again, we're in the same basement, and here we see diapers, and we see, we see diapers. इजराइल बहुत लंबे समय से दुनिया के सामने ये दावा करता रहा है कि हमास के आतंकवादियों ने इन अस्पतालों को अपना अड्डा बनाया हुआ है। ऊपर अस्पताल चलते हैं और नीचे हमास के आतंकवादियों का हेडक्वार्टर है। उन्हें हर तरह की मदद मिलती है। अस्पताल की वजह से कोई शक भी नहीं करता कि यहाँ अस्पताल के नीचे बंधक होंगे या हमास के आतंकी होंगे और अब इसके पुख्ता सबूत मिल रहे हैं। सोचिए, रेंतिसी अस्पताल के नीचे हमास ने छोटे छोटे बच्चों को बंधक बनाकर रखा हुआ था, महिला बंधकों को कुर्सी से बांध कर रखा हुआ था, अस्पताल के नीचे स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके रखा हुआ था, अलग से टॉयलेट और किचन बनाया हुआ था, बेसमेंट में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अलग से पाइप भी लगाया गया था। I want you to see this room. It's in the basement of the hospital. We can see this area is a closed area from the rest of the hospital. We can see the ventilation air that was done improvisely to this area. And we can see infrastructures that was built in here. Toilets, shower, a small kitchen will provide the terrorists their needs. Also conduct a hideout where terrorists take hostages and hide out. And I will show you now the evidence. आपको जानकर हैरानी होगी कि बंधकों के निगरानी के लिए आतंकवादियों की बाकायदा यहां शिफ्ट्स लगती थी। यहां इस कमरे में आतंकवादियों का शिफ्ट चार्ट भी बरामद हुआ है। You're now entering into the room where we suspect the hostages were being held. I want you to look at this room. People are putting curtains with nothing above, just wall. No reason to put here a curtain unless you want to film hostages and deliver movies. And I will show you more evidence. In this room, there is a list. This list, in Arabic, this list says, we are in an operation. The operation against Israel started in the 7th of October.
This is a guardian list where every terrorist writes his name and every terrorist has his own shift guarding the people that were here. गाजा के अस्पताल कैसे हमास के आतंकियों का अड्डा बन गए हैं, ये इस वीडियो से भी पता चलता है। वीडियो इजरायली मिलिट्री ने ही जारी किया है। एक आतंकवादी अपने कंधे पर आरपीजी लॉन्चर लिए हुए दिख रहा है और ये गाजा सिटी के अलकुद्स हॉस्पिटल के सामने का वीडियो है। अलकुद्स गाजा पट्टी का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। रविवार को उसे भी शटडाउन कर दिया गया था क्योंकि वहां फ्यूल खत्म हो गया था। गाजा सिटी के तीन बड़े अस्पतालों में आतंकवादियों के अड्डे होने का पता चला है और तीनों ही फिलहाल बंद हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा अस्पताल अल शिफा था, जहां हॉस्पिटल के नीचे हमास का पूरा हेडक्वार्टर था। दूसरा था अल कुद्स अस्पताल, जहां अस्पताल परिसर में आरपीजी लेकर आतंकी घूमते हुए दिखे। और तीसरा है गाजा का रेंतिसी अस्पताल, जहां बेसमेंट में बंधकों को रखे जाने के सबूत मिले हैं। इन आतंकी गतिविधियों का खामियाजा इन अस्पतालों और उनमें भर्ती लोगों को उठाना पड़ रहा है, खास तौर पर छोटे बच्चों को। ये तस्वीर गाजा के शिफा अस्पताल की बताई जा रही है, जहां बहुत से प्रीमैच्योर बेबीज हैं, जिनके इंक्यूबेटर में अब ऑक्सीजन खत्म हो गई है, तो उन्हें फॉइल पेपर में लपेट कर रखा गया है। इसीलिए अब इजराइल की आर्मी गाजा के अस्पतालों के लिए खुद इंक्यूबेटर्स का इंतजाम कर रही है। इजराइल से इंक्यूबेटर्स को गाजा भेजा जा रहा है। The pediatric ward at Shifa Hospital in Gaza City needs assistance. Israel is ready to assist. We made a formal offer to health officials in Gaza to transfer incubators into Gaza Strip to assist the pediatric ward of Shifa Hospital. Extensive offers are underway to ensure that these incubators right here behind me can reach babies in Gaza without delay. Our war is against Hamas and not the people of Gaza. इजराइल का सबसे खास दोस्त अमेरिका भी गाजा सिटी के अस्पतालों की संपूर्ण सुरक्षा चाहता है, लेकिन हकीकत यह है कि इन अस्पतालों के पास इजरायली डिफेंस फोर्सेस और हमास के आतंकवादियों के बीच जबरदस्त फाइटिंग चल रही है। नॉर्थ गाजा में सिर्फ एक ही अस्पताल बचा है जो नए पेशेंट को भर्ती कर रहा है। What the president has just said and what I've said is that we do not want to see firefights in hospitals. We want to see patients protected. We want to see hospitals protected. We have spoken with the Israeli government about this and they have said they share that view, that they do not want to see firefights in hospitals. And you've heard from IDF spokespeople stating things along those lines. The Israeli government has also told us that they are prepared to provide fuel to hospitals to ensure that they can continue to operate, and that for certain hospitals, they actually have not been able to be in communication with the people who are actually running the hospitals. So that's something we will continue to work on. But the position of the United States on this matter is clear. Hospitals should be protected. Hospitals should be able to run effectively so that medical care can be given to patients. असल में अमेरिका का पूरा जोर अपने बंधकों को छुड़वाने पर है। अमेरिका के कम 10 नागरिक हमास के कब्जे में बताए जा रहे हैं, इसीलिए कतर की मदद से बंधकों को छुड़वाने का एक प्लान तैयार किया गया है। कहा जा रहा है कि बंधकों को छुड़वाने की डील लगभग फाइनल हो चुकी है। डील ये होगी कि हमास 7 अक्टूबर को किडनैप किए गए बच्चों और महिलाओं को छोड़ेगा और इसराइल अपनी जेलों से फिलिस्तीनी महिलाओं और युवा लोगों को छोड़ेगा। इसराइल चाहता है कि हमास कम से कम 100 बंधकों को रिहा करे, जबकि हमास सिर्फ 70 को ही छोड़ने पर तैयार हुआ है। कितने फिलिस्तीनी छोड़े जाएंगे ये तो साफ नहीं है, लेकिन अनुमान है कि कम से कम 120 छोड़े जा सकते हैं। हमास का कहना है कि उसके कब्जे में सिर्फ इसराइल के सैनिक हैं, जबकि इसराइल कहता है कि हमास ने ज्यादातर आम लोगों को बंधक बनाया हुआ है, जिनमें से कुछ की मौत हो गई है। ये कहा जा रहा है कि गाजा में टेम्पररी 5 दिन का सीज फायर होगा। इस दौरान बंधकों को छोड़ा जाएगा और गाजा में आम लोगों तक मदद पहुंचाई जाएगी। डील करवाने में मुख्य भूमिका कतर की रही, जो मीडिएटर रहा। निगोशिएशंस में मोसाद और CIA भी शामिल थे। यानी अगले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। Qatar has been talking to Hamas. Israel has been talking to Qatar. The United States has been talking to both Israel and Qatar in an effort to try to move forward these negotiations to a point where hostages can be released and reunited with their families.
We're not there yet, but we are continuing to try to make progress on that day by day, hour by hour. And as I said before, the president has no higher priority, which is why he is personally engaged on this issue. इजराइल तो फिलहाल किसी की नहीं सुन रहा, अमेरिका की भी नहीं। उसके लिए अपने बंधकों को छुड़वाना और हमास का खात्मा करना सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। इसीलिए नेतन्याहू लगातार अपने सैनिकों से मिलकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। ये वो सैनिक हैं जो गाजा के बॉर्डर पर तैनात हैं। इनमें महिला सैनिक भी शामिल हैं। नेतन्याहू ने खास तौर पर इन महिला सैनिकों की हौसला अफजाई की है। יהודים ובדואים נלחמים כתף אל כתף, כמו שאתם נלחמים כאן, לוחמות ולוחמים, כתף אל כתף. דבר אדיר. עם זה אנחנו מנצחים, וממשיכים הלאה. אבל אני פשוט מלא התפעלות ממה שעשיתם כאן. וזה עוד יכתב וירשם. הרבה שנים. ואתם מספיק צעירות וצעירים כדי שגם הילדים שלכם והנכדים שלכם ידעו את זה. כל הכבוד לכם. इजराइल जानता है कि उसका सामना एक ऐसे आतंकवादी संगठन से पड़ा है जो ईरान की मदद से बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। हमास के पास इजराइल पर हर तरफ से हमला करने की क्षमताएं हैं और इसका सबूत उसने 7 अक्टूबर को दिया था। इजरायली मिलिट्री ने एक और वीडियो रिलीज किया है जिसमें समंदर के अंदर से हमास के आतंकवादियों के हथियार बरामद किए गए हैं। אנחנו בהתקדמות איטית, אנחנו מוצאים הרבה אמל"ח במים במצב מסוכן. זה לוקח זמן כל סימון כזה וכל סימון מדויק של הנקודות. עד כה מצאנו פיל כתף, שני אפודים, מחסנית של קלאץ', רימון וזהו. הוא נמצא תיק, שבתוך התיק זיהינו מטען אחד לפחות. קבלים מה שעשינו עכשיו.